समाज कल्याण केंद्र एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने बच्चों में रुचि कैसे पैदा की जा सकती है इसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। बालक के जीवन में रुचियों का विकास समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि रुचि क्या होती है। रुचि वह प्रेरक शक्ति है जिसमें व्यक्ति कार्य प्रेरक शक्ति जिसके प्रति किसी कार्य के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित होता है। बालक के जीवन में रुचियों का विकास करने के लिए सर्वप्रथम हमें चीजों को दिखाकर रुचि जागृत कर सकते हैं। जैसे अगर हम बच्चों को पेंटिंग सिखाना चाहते हैं तो पेंटिंग क्लास में सबसे पहले ले जाते हैं, बाद में उसे पेंटिंग बनाने को देते हैं, तब उनमें पेंटिंग करने की रुचि पैदा होती है। बच्चों को कहानियां सुनाई जाती है और फिर कहानी के बारे में उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन्हें उस प्रश्न का जवाब देने में उन्हें रुचि आती है और उन्हें कहानियों के प्रति रुचि जागृत होती है। इसी तरह रुचि के तीन पहलू होते हैं। रुचि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसका उसके प्रति अनुभव, उसके बाद उसमें इच्छा आती है। जैसे बच्चों को क्रिकेट खिलाकर पहले उन्हें इच्छा जागृत की जाती है कि क्रिकेट क्या है, उसकी जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें उसके नियमों के बारे में बताया जाता है इसमें क्या नियम है। तत्पश्चात उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए दिया जाता है जिससे बच्चों में क्रिकेट खेलने के प्रति जागृति उत्पन्न होती है। बालकों में जब खेल के प्रति जागृति आ जाती है, रुचि आती है, तब वो नए नए दोस्त बनाना सीखते हैं, जब वो उनसे मिलना जुलना पसंद करते हैं, जिससे इन्हें दोस्तों में रुचि उत्पन्न होती है। बालकों में रुचि उत्पन्न करने की निम्नलिखित विधियां हैं। बालकों के प्रयोग निरीक्षण करने के द्वारा उनमें रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अगर किसी चीज के बारे में उन्हें रुचि देनी है तो उसका निरीक्षण कीजिए, उसका प्रयोग करके हम उसके बारे में उस चीज के बारे में उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर प्री प्राइमरी कक्षा में बच्चों को गर्म पानी को टच करने के लिए दिया जाता है तो जब वो बच्चे पानी को टच करते हैं, गर्म पानी को, तो उन्हें अनुभव होता है कि ये पानी गर्म है और इनमें इच्छा शक्ति होती है किसे क्या करना है, गर्म पानी का यूज कैसे करना है, तो उन्हें इसके बारे में रुचि हो जाती है। इसी तरह अगर जंगली जानवरों का पहचान करवाना है तो उन्हें जंगली जानवरों के बारे में उसे दिखाइए, उसे बताकर उसकी रुचि उत्पन्न की जा सकती है। रुचि का पूर्व ज्ञान से अत्यधिक संबंध है जिस इन चीजों के बारे में हमें पहले से ज्ञात होता है, जिस चीज के बारे में हमें पहले से ज्ञात होता है उसके प्रति हमारी रुचि बहुत ज्यादा रहती है। बालकों की अपनी मूल प्रवृत्तियों अभिवृत्तियों से संबंधित चीजों के बारे में रुचि होती है, इसलिए उनमें रुचि का विकास करने के लिए अनुकूल चित्रों तथा स्थूल पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। पढ़ाते समय यदि उन्हें प्लेवे मेथड से पढ़ाया जाता है तो बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है और वो इंटरेस्ट उसमें उस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं। बालक पढ़ाई में तभी रुचि ले सकते हैं जब उन्हें उसके उद्देश्य के बारे में पता हो, उसकी उपयोगिता क्या है, तब वो उसमें रुचि उत्पन्न करते हैं। बालकों में रुचि के विकास के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं माता पिता को ये नहीं चाहिए कि सिर्फ उन्हें सिर्फ पाठ पढ़ाए, पाठ से संबंधित उन बातें बताकर उसे रोचक बनाकर उन्हें उसके बारे में बताएं तो बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है। रुचि के विकास के लिए बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे थोड़े से प्रयास से ही बच्चों में रुचि उत्पन्न हो जाती है, उसका विकास होता है।